आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। यूपी के बस्ती जिले से है इस वक्त की बड़ी खबर। बस्ती जिले में आरटीओ विभाग प्राइवेट बसों का बोलबाला है। विभाग कितना निष्क्रिय है ये साफ देखा जा सकता है। जिले में आए दिन डग्गामार वाहनों से चूट फूट घटनाएं होती रहती हैं। जिले के बैठे जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते फिर रहे हैं। जिले में डग्गामार वाहनों का बोलबाला इस कदर है कि गाड़ी चालक अपने वाहनों को पहले ले जाने के लिए लगातार नियमों को ताक पर रखकर विभाग की पोल खोलते नजर आते हैं। मामला बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र के फुटहिया चौकी क्षेत्र का है, जहां एक डबल डेकर बस जो मुंबई से चलकर डुमरियागंज जिला सिद्धार्थ नगर जा रही थी, वो चालक के लापरवाही के चलते डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस में सवार 70 से अधिक यात्रियों में से 12 यात्रियों को गंभीर चोटें आई, जिसमें से दो की हालत नाजुक बनी हुई है। आज सुबह लगभग 5:30 बजे इस बात की एक सूचना मिली कि एक बस अनियंत्रित होकर करके नगर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर पलट गई है। इस सूचना पर मेरे द्वारा स्वयं सीओ सिटी और आवश्यक पुलिस बल के साथ मौके पर जा करके वहां सारी व्यवस्थाओं को देखा गया और बस जो है पुणे से सिद्धार्थनगर इटवा जा रही थी और जिसमें लगभग 70 व्यक्ति सवार थे। नेशनल हाईवे के माध्यम से क्रेन को बुला करके और एम्बुलेंस को बुला करके सारी व्यवस्थाएँ कराई गई और रोड का जो आवागमन जो है उसको ठीक करा दिया गया है और इसमें कुल जो 12 व्यक्ति घायल थे उनको प्राथमिक उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया था, जिसमें से एक लड़की जो 6 वर्ष की सूफिया उसकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, जिसको उचित इलाज हेतु बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। शेष जो 11 इंजर्ड थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद उनके घरों को वापस भेज दिया गया है और इसमें जो दोषी ड्राइवर और बस मालिक के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर नगर थाने की पुलिस पहुंची और घायलों को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल भेज दिया गया। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरी घटना मुंडेरवा थाना क्षेत्र के कुर्सियां में हुई, जहां चालक की लापरवाही के चलते 60 सवारियों से भरी डबल डेकर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कुछ यात्रियों को हल्की फुल्की चोट भी आई। कहीं ना कहीं विभाग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरता दिख रहा है, जिसके चलते अब यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। नशे की हालत में चालक यात्रियों के जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। फुटहिया पर हुए हादसे में चालक शराब पीकर बस चला रहा था। इस मामले में नगर थाना क्षेत्र में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुंबई से यात्रा कर रहे यात्री ने बताया कि ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था। जहां भी बस खड़ा करता था वहीं वो नशा किया करता था। इसमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें 2 लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हम मुंबई से अपने घर सिद्धार्थनगर जा रहे थे, वहीं घटनास्थल पर पहुंचे सदर तहसीलदार चंद्रभूषण प्रताप ने बताया कि घटना के दौरान 12 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें 2 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी दीपेंद्र कुमार ने बताया कि नेशनल हाईवे पर आज सुबह एक डबल डेकर बस पलट गई, जिसमें सवार 70 यात्रियों में से 12 को चोटें आई हैं। इसमें एक बच्ची है जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इस मामले में मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें चालक के नशे में होने की बात सामने आई है। बस चालक सहित गाड़ी मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बस्ती से इंडिया पावर न्यूज़ के लिए जयप्रकाश यादव की रिपोर्ट। मुंबई से आ रहा था साहब। क्या नाम है आपका? विजय प्रताप। क्या हुआ था, कैसे हादसा हुआ? बस पलटी हो गया और ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था। नशे में था ड्राइवर? हमेशा उतर उतर के जहाँ बस खड़ा करता था गाजा स्ट्रीट तक वो पुल पे ले जाके उधर साइड में ठोक दिया, बस पलटी हो गया साहब। कितने लोग घायल हुए लगभग साहब? अभी तो यहाँ 8-10 लोग हैं घायल और बच्चा है छोटा, वो सीरियस ज़्यादा हो गया बच्चा। कहाँ जा रहे थे आप लोग? गाँव आ रहे थे। कहाँ? मुंबई से। किस गाँव, कहाँ, कौन सा जिला? तुम्हारी कितने लोग बस में लगभग सवार थे? सवार कम से कम 300 आदमी थे।